नमस्कार, आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज परसेंटेज का क्लास। और परसेंटेज में हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। जो हमने पिछला क्लास किया था उसमें हमारा एक ही कॉन्सेप्ट पे पीछे बहुत सारा क्वेश्चन किए थे, अब उससे आगे हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। और इस कॉन्सेप्ट से अभी हम जो जो क्वेश्चन करेंगे, जब हम मिक्सचर एंड एलिगेशन करेंगे तो वहाँ पे एलिगेशन टेक्निक लगा के भी इस सारे क्वेश्चन को हम वहाँ पे भी करेंगे। और इससे और ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन एलिगेशन टेक्निक से होगा। तो अभी जो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना, तो वो कॉन्सेप्ट जिस क्वेश्चन में लगेगा वो हर एक क्वेश्चन में एलिगेशन टेक्निक लगा के भी हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। हाँ, उस क्वेश्चन को हम प्रतिशत से भी परसेंटेज का टेक्निक भी लगाकर हम कर सकते हैं। इसलिए आज मैं ये तरीका बता रहा हूँ आपको कि परसेंटेज से वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। हम देखिए, आज जो हम अभी क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे। बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन अभी होगा इस कॉन्सेप्ट से शुरुआत में, फिर इसका लेवल धीरे 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 अच्छे लेवल तक पहुँचाएंगे हम। तो करना क्या है आपको, पहले क्या है कि उस क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इस क्वेश्चन को पहले एक्स मान के बनाना है, एक्स लेकर। और फिर मैं इसका टेक्निक बताता हूँ कि करना कैसे है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप बनाइए, फिर मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कमरा है, उसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियाँ हैं, टोटल मिलाकर कितने हैं, 10 है। यानी एक कमरे में 10 व्यक्ति है जिसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियाँ हैं। ये सब एक कमरे में कर क्या रहे हैं, ये सब के सब बिस्किट खा रहे हैं। तो समझिएगा बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन, कि जितने भी लड़की है उसमें से हर एक लड़की 5 बिस्किट खाती है, और जितने भी लड़का है उसमें हर एक लड़का 6 बिस्किट खाता है। और इस तरह से टोटल जो 10 व्यक्ति है सबने मिलकर कितना बिस्किट खाया, 57 बिस्किट खाया, 57 बिस्किट खाया। तो बोला ये जा रहा आपसे क्वेश्चन कि आप ये बता दो कि इस कमरे में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को मैं एक्स लेकर बनाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट पे और अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। फिर मैं इसका जो तरीका है किस हिसाब से करना है वो टेक्निक मैं बताऊँगा आपको। देखिए टोटल 10 व्यक्ति है, 10, उसमें क्या है कुछ बॉय हैं और कुछ गर्ल्स हैं, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज एक्स है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज को हमने एक्स मान लिया। तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, लड़की कितनी हो जाएगी, तो टोटल जितना है उसमें से लड़का को अगर घटा दिया जाए तो क्या बच जाएगी, लड़की ही तो बचेगी। तो टोटल में से हमने लड़का का जो भी संख्या था, बॉयज का जो भी संख्या था, वो हमने घटा दिया। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज एक्स और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 10 माइनस एक्स, हमारा ये चीज़ें डेटा आ गया। अब देखिए अब क्या बोला जा रहा है कि हर एक लड़का कितना बिस्किट खाता है, 6 बिस्किट। तो अगर एक्स लड़का है तो एक्स लड़का कितना खाएगा, 6 इंटू एक्स, इतना ही बिस्किट खाएगा। उसी तरीके से टोटल लड़की कितनी है, 10 माइनस एक्स, और हर एक लड़की कितनी बिस्किट खाती है, 5 बिस्किट, यानी हर एक लड़की 5 बिस्किट खाती है। तो इतना लड़की मिलकर कितना बिस्किट खाएगी, तो आप क्या कहेंगे, 10 माइनस एक्स इंटू 5, इतना ही बिस्किट खाएगी। ये बिस्किट जितना टोटल लड़का बिस्किट खाता है और जितना टोटल लड़की बिस्किट खाती है, ये सब मिलकर कितना बिस्किट बन जाता है, 57, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं, 6x प्लस, यहाँ पे ये 10 और 5 मल्टीप्लाई होगा तो 50, माइनस का यहाँ पे 5x इक्वल्स टू कितना, 57। तो देखिए 6x में से 5x जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा 1x, और ये 50 उस तरफ जाएगा तो 57 में से यहाँ पे ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, तो कितना बचेगा, 57 में से 50 घटेगा कितना बच जाएगा, 7 बचेगा। यानी x का वैल्यू आपका कितना आ गया, 7, और x आपने क्या माना है, बॉयज, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है, 7 है। और अब ये 7 इस 10 में से घटाना है, x के जगह पे हमें 7 रखना है, तो 10 माइनस 7 कितना बन जाएगा, 3। यानी समझिए यहाँ पे बॉयज टोटल कितना है, 7, गर्ल्स टोटल कितनी है, 3, यानी लड़कों की संख्या 7 है और लड़कियों की संख्या 3 है, ये चीज़ें हमने निकाल दिया। अब हम आते हैं कि इसको करना कैसे है हमें, ये तो हो गया चलिए एक बेसिक मेथड जो हमने 9th-10th में किया था, उस तरह के मेथड पे हम काम कर लिए। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक तरीका बताता हूँ कि करना कैसे, पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए।
देखिए, अब इसी क्वेश्चन को मैं दो तरीका और बताता हूँ करने का, दोनों एक ही तरीका है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है उस दोनों में, तो समझिएगा आप इस चीज़ों को। देखिए, टोटल व्यक्ति कितना है, तो आप कहेंगे 10, उसमें से कुछ गर्ल्स है और कुछ बॉयज, ऐसा है। अब करना क्या है समझिएगा, जो गर्ल्स है यानी जो लड़कियां हैं, उसमें से हर एक लड़की कितना बिस्किट खाती है, तो आप कहेंगे 5, ऐसा है। और हर एक लड़का कितना बिस्किट खाता है, तो आप कहेंगे 6, यानी हर एक लड़का 6 बिस्किट खाता है और हर एक लड़की 5 बिस्किट खाती है। हमने ये चीज़ें डेटा यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, यहाँ पे जो 6 है, समझिएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस 6 को 5+1 लिख सकता हूँ, मैं आराम से लिख सकता हूँ। ऐसा हमने क्यों किया, हम ये चाह रहे थे कि जितना टोटल लड़की बिस्किट खाती है उतना ही लड़का ही बिस्किट खाए, मैं बराबर करना चाह रहा हूँ दोनों को, इसलिए मैंने 5+1 लिखा। अब मैं इस चीज़ों को मिटा देता हूँ 1 को। अब हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हमने ये काम कर दिया कि लड़का टोटल, मतलब हर एक लड़का जितना बिस्किट खाता था उससे एक बिस्किट हम हर एक लड़का को कम खिला रहे हैं, समझिएगा यहाँ पे। यानी लड़का, अगर हर एक लड़का 6 बिस्किट खा रहा था, तो उसके जगह पे हम उसको कितना बिस्किट खिला रहे हैं, 5 ही बिस्किट खिला रहे हैं। अब समझिए, हर एक लड़की 5 बिस्किट खा रही है, अब हर एक लड़का भी 5 बिस्किट खा रहा है, तो टोटल लड़का और लड़की मिलाकर कितना है, 10, यानी 10 है टोटल नंबर इसका, और 10 इसमें व्यक्ति है, और 10 के 10 अगर 5-5 बिस्किट खा रहे हैं, इसमें जितने भी हैं सबके सब 5 बिस्किट खा रहे हैं, इसमें लड़का भी है कुछ और लड़की भी है कुछ, सबके सब 5 बिस्किट खा रहे हैं, तो 10 व्यक्ति मिलकर कितना बिस्किट खा जाएगा, तो हर एक व्यक्ति 5 बिस्किट खाता है और 10 व्यक्ति है, तो कितना, 50 बिस्किट खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा, खा जाएगा। जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितना बिस्किट खाएगा, 57, तो समझिएगा यहाँ पे, इस 57 में से इस 50 को घटाइए तो बच कितना जाएगा, 7। यानी कहने का मतलब, क्वेश्चन के हिसाब से 57 बिस्किट खा रहा था, 57, हम अगर लड़का को एक एक बिस्किट कम खिला रहे हैं तो उस हिसाब से 7 बिस्किट बच जा रहा है। क्यों बच रहा है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे लड़का था, हर एक लड़का को हमने एक एक बिस्किट कम खिलाया, इसलिए 7 बिस्किट ये एक्स्ट्रा बच जा रहा है। अब आप बताइए यहाँ पे, ये जो 7 बिस्किट बचा है, अब एक एक बिस्किट हम हर एक लड़का को देंगे तो कितने लड़का में बटेगा, 7 लड़का में। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना हुआ, लड़का कितना हुआ, 7। टोटल नंबर ऑफ बॉयज अगर 7 है तो टोटल व्यक्ति कितना है, 10। 10 में से 7 लड़का है तो लड़की कितनी होगी, 3। 10 में से 7 घटा दिए, आए समझ में। अब समझिएगा यहाँ पे हमारा +1 था, अगर ऐसे, क्योंकि अभी मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ अभी आपको यहाँ पे, क्योंकि इस चीज़ों का आगे ज़रूरत पड़ेगा। हम एक्चुअल में करते क्या है, ये जो यहाँ पे 1 है ना, इससे हम 7 को डिवाइड कर देते हैं, 1 को, ये बन कितना जाएगा, 7, और यही 7 हमारा नंबर ऑफ बॉयज बन जाता है, आया समझ में ये चीज़ें। देखिए एक बार और समझिए इस चीज़ों को, टोटल 10 व्यक्ति थे एक कमरा में, उसमें कुछ लड़की थी और कुछ लड़का था, हर एक लड़की 5 बिस्किट खाती थी, हर एक लड़का 6 बिस्किट खाता था, तो हमने क्या किया, इस 6 में से जितने भी लड़का था हर एक को एक एक बिस्किट कम खिलाया। हम ये चाह रहे थे कि टोटल, ये लड़की जितनी बिस्किट खाती है हर एक लड़का भी उतना ही बिस्किट खाए, तो लड़की अगर 5 बिस्किट खाती थी तो लड़का को भी हमने 5 बिस्किट खिलाया, हमने हर एक लड़का को एक एक बिस्किट कम खिलाया, तो उस हिसाब से 10 व्यक्ति मिलकर 50 बिस्किट खाए। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा नहीं, 57 बिस्किट खाया, तो 7 बिस्किट एक्स्ट्रा बच जाएगा। 7 बिस्किट एक्स्ट्रा क्यों बचा, क्योंकि हर एक लड़का को हमने एक एक बिस्किट कम खिलाया, इसलिए 7 बिस्किट एक्स्ट्रा बच गया। तो ये 7 बिस्किट हर एक लड़का में बटेगा, यानी एक एक बिस्किट हर एक लड़का को देना है, तो कितने लड़के में बटेगा, 7। इसका मतलब 7 लड़का रहा होगा और टोटल में से 7 घटाएंगे तो 3 लड़की रही होगी। एक मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या था, 5+1, यानी 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा जो था हम नहीं खिला रहे थे लड़का को, इसलिए 7 बिस्किट बचे जा रहा था, तो इस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 7। जितना ये आंसर बनेगा वही हमारा टोटल नंबर ऑफ बॉयज होगा। इसका आगे जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन में, जब हम परसेंटेज के ऊपर लेकर जाएंगे क्वेश्चन को, तो ये चीज़ें जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं अभी से लेकर इसे चल रहा हूँ। अब ऐसा भी तो कर सकते थे कि यहाँ पे जितना हर एक लड़की बिस्किट खा रही थी उतना ही हमने लड़का को भी बना दिया कि हर एक लड़का भी उतना ही बिस्किट खाएगा। हम ऐसा भी तो बोल सकते थे कि हर एक लड़का जितना बिस्किट खाता है उतना ही हम लड़की को भी बिस्किट खिलाते हैं, कि हर एक लड़की भी उतनी ही बिस्किट खाएगी। तो चलिए इसको एक बार आप नोट कीजिए, फिर मैं वो तरीका भी बताता हूँ आपको। देखिए इसी क्वेश्चन को वैसे कर रहा हूँ मैं, समझिए, यहाँ पे मैं बॉयज लिख दिया
और यहाँ पे गर्ल्स लिख दिया। बॉयज कितना, हर एक लड़का कितना बिस्किट खाता है? 6। हर एक लड़की कितना बिस्किट खाती है? 5। तो हम ऐसा कर दें कि जितना हर एक लड़का जितना बिस्किट खाता है, हर एक लड़की भी उतना ही बिस्किट खाए, तो इस 5 को क्या लिख सकते हैं? 6-1, 5 को हमने लिख दिया 6-1, 5 है ही अभी यहाँ पे। हम इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा देर के लिए, हम ये सोच कर चल रहे हैं कि लड़की भी 6 बिस्किट खाती है, यानी हर एक लड़की 6 बिस्किट खाती है। यानी हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं कि लड़की जितनी बिस्किट खाती थी उससे एक एक बिस्किट हमने हर एक लड़की को एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया। तो टोटल लड़का जितना है वो भी 5 बिस्किट खा, ये 6 बिस्किट खा रहा है हर एक लड़का, हर एक लड़की भी 6 बिस्किट खा ली, यानी 10 व्यक्ति है इसमें, और 10 के 10 जो है उसमें से हर एक ने 6-6 बिस्किट खाए, तो 10 व्यक्ति मिलकर कितना बिस्किट खाएगा? तो 10 × 6 कितना बन जाएगा? 60 बिस्किट खाए, जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 57 बिस्किट ही खाएगा। यानी अगर इसको घटाते हैं तो कितना, 3 बिस्किट की कमी हो रही है कि नहीं हो रही है यहाँ पे? क्यों 3 बिस्किट की कमी हो गई? इसलिए क्योंकि लड़की को खाना चाहिए था 5, हमने खिला दिया 6, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे हर एक लड़की को एक बिस्किट एक्स्ट्रा खिलाया है, और हर एक लड़की को एक बिस्किट एक्स्ट्रा खिलाया है तब जाके 3 बिस्किट की क्या हो गई? कमी हो गई। तो इसका मतलब 3 बिस्किट अगर हम ना खिलाते, ये हर एक लड़की को एक एक बिस्किट एक्स्ट्रा ना खिलाते तो 3 बिस्किट की कमी नहीं होती। तो इसका मतलब सीधा सीधा बात है, 3 लड़की है यहाँ पे, तभी तो हमने 3 बिस्किट एक्स्ट्रा खिला दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया टोटल नंबर्स ऑफ गर्ल्स कितना है? 3। तो टोटल नंबर्स ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा? 10-3 कितना बन जाएगा? 7। या फिर करना क्या है, यहाँ पे जो ये 1 है, यहाँ पे इस 1 से -1 से डिवाइड करेंगे, ये क्या बन जाएगा? 3। और यही आपका क्या बन जाएगा? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। आया समझ में? अगर आ गया समझ में तो क्या करना है, इसको नोट करना है, नोट करने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको करना है आपको। देखिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कमरा है जिसमें कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां हैं, टोटल मिलाकर कितने हैं? 45, यानी 45 जानवर है एक कमरे में जिसमें कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां हैं। क्वेश्चन फिर वही बात आपसे बोल रहा है कि हर एक बिल्ली 7 बिस्किट खाएगी और हर एक कुत्ता 9 बिस्किट खाएगा, और इस तरह से टोटल जो 45 जानवर है मिलकर कितने बिस्किट खाए? 355 बिस्किट खाए। तो बोल रहा है कि आप ये बता दो कि टोटल कितने बिल्ली है और कितने कुत्ते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, टोटल जानवर कितना है? 45 यही है, इसमें से कुछ कैट है और कुछ डॉग है। हर एक बिल्ली कितना बिस्किट खाती है? 7। हर एक कुत्ता कितना बिस्किट खाता है? 9। हम ये चाह रहे हैं कि जितना ये हर एक बिल्ली खाती है उतना ही हर एक कुत्ता भी खाए, यानी हम बराबर करना चाह रहे हैं यहाँ पे। या तो फिर हम इसको 9 बना दें या तो फिर इसको 7 बना दें। तो समझिएगा हम इसे बना रहे हैं 7+2, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ों को हम हटा दे रहे हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो कुत्ता है, हर एक कुत्ता उसमें से 7 बिस्किट खा रहे, यानी हर एक डॉग 7 बिस्किट यहाँ पे खाएगा। हमने हर एक डॉग को, हर एक कुत्ता को 2-2 बिस्किट कम खिलाया है। तो अब समझिए, बिल्ली भी 7 बिस्किट खा रही है, कुत्ता भी 7 बिस्किट खा रहा है, तो टोटल 45 जानवर है। तो 45 के 45 जानवर भी 7-7 बिस्किट खा रहे हैं। इसमें जितने भी जानवर हैं, इसमें कुछ कुत्ते हैं कुछ बिल्लियां हैं, और सबके सब 7-7 बिस्किट खा रहे हैं, तो कितना बिस्किट बन जाएगा? 45 × 7 टोटल बिस्किट कितना? 7×28 280, और 7×5 35, 280+35 कितना? 315 यही बनेगा। लेकिन एक्चुअल में बिस्किट खाया कितना जा रहा है? 355 बिस्किट खाया जा रहा है। तो मैं इसको घटा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 14, हमारे पास बिस्किट कितना बच गया? 40। 40 बिस्किट एक्स्ट्रा बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि जितना भी यहाँ पे कुत्ता था, जितना भी डॉग था, हर एक डॉग को हमने 2-2 बिस्किट कम खिलाए, इसलिए 40 बिस्किट बच गया। अब मुझे बताइए, 40 बिस्किट है और 2-2 बिस्किट बांटना है, तो कितने डॉग में बटेगा, कितने कुत्तों में ये बिस्किट बट जाएगा? 20 कुत्तों में। 2-2 बिस्किट देना है, 40 बिस्किट है, तो इसका मतलब 20 कुत्तों में ये बिस्किट बच जाएगा। तो इसका मतलब जो डॉग है, कुत्ता है, वो कितना होगा? 20। और टोटल 45 एनिमल्स है, उसमें से 20 अगर घटा देते हैं तो कितना बनेगा? 25। या फिर एक तरीका ये भी है, यहाँ पे जो ये 2 लिखा हूँ ना मैं, इस 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना बन जाएगा? 20। इतना ही हमारा क्या बन जाएगा? डॉग। आया समझ पे?
आप इसका जो दूसरा मेथड है उससे भी कर सकते हैं कि नौ हम नाइन जो सेवन इसको भी बनाए थे, सेवन इसको भी बनाए थे, हम चाह रहे हैं कि नाइन ये था ना तो इसे भी नाइन बना दें, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो चलिए इसको नोट कीजिए और नोट करने के बाद वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन को आप बनाइए। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक जू है, एक चिड़ियाघर है जिसमें कुछ पिजन है और कुछ रैबिट है, उसमें कुछ कबूतर है और कुछ खरगोश है। बोल रहा है कि अगर इसके सर को काउंट किया जाता है, हेड को अगर काउंट किया जाता है तो कितना बनता है, 280 इसका सर है, लेकिन इसको लेग को अगर इसके पैर को काउंट किया जाता है तो कितना बनता है, 820 पैर है सभी जानवर को मिलाकर। तो बोल रहा है कि बताओ इस चिड़ियाघर में कितने कबूतर हैं और कितने खरगोश है, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे, अच्छा एक बात और, इस क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है कि ये मेथड लगेगा नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो यहाँ वाला वैल्यू हम क्या लिखेंगे और यहाँ वाला वैल्यू हम क्या लिखेंगे, इस चीज़ों को एक बार समझना है कि क्या क्या हम लिख सकते हैं। देखिए जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें एक टोटल वैल्यू होगा, दोनों जानवर को मिलाकर होगा, या कोई नंबर होगा तो टोटल नंबर दे देगा, ठीक है ना, या कुछ भी होगा। वैसे जैसे पिछला क्वेश्चन में ही दिया था बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स कितना है वो चीज़ें हम यहाँ पर लिखते हैं, और उस दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन देगा। जैसे इसमें कुछ कॉमन दे दिया है, कॉमन क्या है कि कबूतर के दो पैर होते हैं और खरगोश के कितने पैर होते हैं, चार पैर होते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखा जाएगा, दो और चार, चार को हम क्या लिख सकते हैं, 2+2, इस हिसाब से क्वेश्चन को पकड़ना है। जैसे पिछला क्वेश्चन में था कि टोटल नंबर्स ऑफ पीपल जो था कितना था, 10 था, यानी बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाकर यहाँ पे, और उसमें कॉमन क्या था कि एक 5 बिस्किट खा रहा था, एक 6 बिस्किट खा रहा था, तो वो चीज़ों को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। इसी क्वेश्चन में जो थोड़ा सा पूछता है और क्वेश्चन, वो ये है जैसे बोल देगा कोई पार्किंग है, पार्किंग में कुछ 2 व्हीलर्स खड़े हैं और कुछ 4 व्हीलर्स खड़े हैं, तो टोटल नंबर्स ऑफ व्हीकल्स इन, टोटल नंबर ऑफ गाड़ी कितना है उसमें वो बता देगा, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। कॉमन दोनों में क्या हुआ कि एक में 2 व्हील्स है यानी 2 चक्का है, और एक गाड़ी ऐसा है जिसमें 4 चक्का है, तो वो चीज़ें कॉमन हो जाएगा, 2 और 4, इस तरीके से हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे। जैसे दे देगा किसी गांव का जनसंख्या कुछ दे देगा, टोटल जनसंख्या वो यहाँ पे लिखेंगे, उसमें आपको बोल देगा कुछ मेल होगा कुछ फीमेल होगी, तो बोलेगा मेल इतने परसेंट से इंक्रीज कर रहा है हर एक साल, फीमेल इतने परसेंट से इंक्रीज कर रहा है, तो वो जो इंक्रीजिंग वाला वैल्यू होगा वो चीज़ें कॉमन आ गया, वो चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस हिसाब से क्वेश्चन को पकड़ के आपको चलना है। देखिए इस क्वेश्चन में समझना है आपको कि टोटल नंबर्स ऑफ जो एनिमल्स है, टोटल जानवर जो है चिड़ियाघर में कितना है, वो चीज़ें बताया नहीं है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जितना उसका सर है यानी जितना उसका हेड है वो कितना है, 280 है, और जितना उसका सर होगा उतना ही तो टोटल जानवर होगा, तो 280 जानवर है, समझिएगा। अब एक जानवर के दो सर तो होते नहीं है, तो जितने हमारा सर उतना ही जानवर। इसमें कुछ पीजन्स है यानी कबूतर है और कुछ रैबिट है यानी खरगोश है। अब बोल रहा है जो कबूतर है उसके कितने पैर होते हैं, 2, और खरगोश के कितने पैर होते हैं, 4, तो इस 4 को हम क्या करते हैं, 2 के बराबर बनाते हैं, 2+2, और इस पार्ट को हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जितने भी वहाँ पे खरगोश है उसके 2 ही पैर है, 4 पैर हम नहीं बना रहे हैं, 2 ही पैर मैं इसको दे रहा हूँ। तो 280 जानवर है, इसमें से कुछ कबूतर है कुछ खरगोश है, और हर एक जानवर के 2-2 पैर है, तो 280 जानवर है, तो टोटल पैर कितना हो जाएगा, 280 × 2, यानी कितना लेग हो जाएगा, 28 × 56, 560। जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके पैर को अगर काउंट किया जा रहा है तो कितना बन जा रहा है, 820 यानी 820, घटाएंगे कितना बन जाएगा हमारा, 0, 6, 260। समझिए यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल जो पैर है वो कितना है, 820। हम अगर खरगोश को हर एक रैबिट को 2 पैर कम देते हैं उसके वजह से कितना पैर यहाँ पे एक्स्ट्रा बचा जाता है, 260। क्यों बचा है, क्योंकि हमने हर एक कबूतर को ये हर एक खरगोश को 2-2 पैर कम दिए हैं, इसलिए 260 पैर एक्स्ट्रा बच गया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई 260 पैर है और 2-2 पैर खरगोश में बांटना है, तो कितने खरगोश में बटेगा, तो आप कहेंगे 2-2 पैर बांटना है, 260 है, तो 130 पैर नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, खरगोश बन जाएगा, रैबिट उतना ही बन जाएगा, या फिर यहाँ पे जो 2 है जो एक्स्ट्रा हमने लिया है यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा काट के हटा दिए थे, उसी से हम क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देंगे, ये कितना बन जाएगा, 260। इस चीज़ों को देखना, 260 / 2, 130, ये 130 यहाँ पे आ जाएगा,
अगर 130 आपका खरगोश है तो पीजन्स यानी कबूतर कितना होगा? तो 280 में से 130 घटा देंगे तो 0, 5 और 1 यानी पीजन्स कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। पकड़ना है कैसे क्वेश्चन को इस मेथड पे? अगर बैठाना है तो कैसे बताना? अभी मैंने पीछे बताया है, उसी चीज़ों को सोचकर क्वेश्चन को आगे बनाना है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो करना क्या है, वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है वो आपको बनाना है। देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी विलेज का, किसी गांव का पॉपुलेशन बता रखा है कितना है, 6000। 6000 किसी गांव का पॉपुलेशन दे रखा है। उसमें क्या है, कुछ मेल है और कुछ फीमेल है। बोल रहा है कि मेल का जो पॉपुलेशन है हर एक साल कितना से इंक्रीज करता है, 5% से, और फीमेल का पॉपुलेशन कितना से इंक्रीज करता है, 9% से। और इस तरीके से एक साल बाद, यानी हर एक साल इतना इतना इंक्रीज करता है। और बोला जा रहा है कि एक साल बाद जो पॉपुलेशन इंक्रीज होने के बाद बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 6500, 6500 पॉपुलेशन बन जाएगा। यानी इंक्रीज कितने से हुआ, 500 से। 6000 था, 6500 बन गया, इसका मतलब 500 पॉपुलेशन बढ़ गया। वो चीज़ें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो पॉपुलेशन है उसमें जो इंक्रीज हुआ 500 से हो गया। अब देखिए टोटल पॉपुलेशन कितना है, वो चीज़ें हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ये सब चीज़ें मैंने अभी बताया है आपको कि कैसे करना है। अब यहाँ पे मैं मेल लिखता हूँ, यहाँ पे फीमेल। इसमें कॉमन क्या है कि भाई दोनों का पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, कितने कितने परसेंट से, वो चीज़ें कॉमन है। तो देखिए मेल का पॉपुलेशन कितने परसेंट से इंक्रीज कर रहा है, 5% से, और फीमेल का पॉपुलेशन 9% से। ऐसा ही हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो फीमेल का पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है इसको मैं क्या करता हूँ, इसके बराबर कर देता हूँ। तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5% प्लस का 4%, और इसको बोलता हूँ थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ। अब एक बात मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, उस चीज़ों को समझिएगा ध्यान से, क्योंकि ना ये छोटा सा बेसिक चीज़ है लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है उस चीज़ों का। अब देखिए जैसे मैं मान लेता हूँ दो व्यक्ति है, एक ए है और पी, दूसरा पी है। ए का जो वैल्यू है 600 रुपये है, मान लेते हैं एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है। ए जो है 600 है और बी है 400 है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे ये बताओ ए प्लस बी मिलाकर कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे 1000 बन जाएगा, 600 प्लस 400 1000 बन गया। अब यहाँ पे मैं दो कंडीशन बताने जा रहा हूँ, एक ये कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ए जो है 10% से इंक्रीज कर रहा है, समझना है ध्यान से, ए यहाँ पे 10% से इंक्रीज करता है। तो ए अगर 10% से इंक्रीज करता है तो ए का वैल्यू कितना इंक्रीज करेगा, 10% इसका कितना, 60, यानी ए जो है 60 से बढ़ जाएगा। और मैं ये बोल रहा हूँ कि बी जो है 15% से इंक्रीज करता है, बी 15% से बढ़ जाएगा। तो इसका 15% 15% कितना, 10% 40 प्लस 5% कितना, 20, 40 प्लस 20 कितना, 60, यानी ये भी 60 इंक्रीज किया और ये भी 60 इंक्रीज किया, टोटल इंक्रीज कितना हो गया, 120, यही हो गया। यानी टोटल 1000 कोई नंबर था, दो नंबर मिलकर 1000 था और ये 120 से इंक्रीज कर गया। तो मैं बोलूँ टोटल वैल्यू जो है वो कितना से इंक्रीज कर गया, वो चीज़ें बताइए। तो देखिए टोटल वैल्यू का अगर मैं देखूँ तो ये कितना परसेंट से इंक्रीज किया है, इसका अगर 10% निकालूँ, 10% तो कितना बन जाएगा, 100, और 20 और चाहिए, 20 का मतलब 2% यहाँ से, क्योंकि 1% इसका 10 होगा तो 2% कितना, 20, यानी 120 इसका कितना परसेंट बनता है, 12%। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये 120 से इंक्रीज कर रहा है, यानी 12% से इंक्रीज कर रहा है। समझिए यहाँ पे, ए अगर 10% से बढ़ जाता है, बी अगर 15% से बढ़ जाता है, तो दोनों मिलाकर जो बढ़ा है वो वैल्यू 120 बन गया। मैं बोलता हूँ टोटल पे कितने का वृद्धि हुआ, तो यहाँ पे 12%, देखिए ये 10, ये 15 और ये 12 बन गया। फिर समझिए यहाँ पे, मैं ये बोल रहा हूँ कि ए जो है ए प्लस बी मिला के कितना वैल्यू है, 1000, यही है। ए कितना है, 600, बी कितना है, 400। देखिए मैं अब ये बोल रहा हूँ कि ए जो पहले 10% इंक्रीज कर रहा था, मैंने 10% ही लिख दिया कि ए 10% से इंक्रीज कर रहा है, यानी कितना से इंक्रीज करेगा, 60 से। बी को भी मैंने 10% ही इंक्रीज करवाया कि ये भी 10% से इंक्रीज कर रहा है, तो
तो इसका 10% कितना, 40, यानी 40 से इंक्रीज करेगा। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो कितना से इंक्रीज किया, 100 से। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये बताओ, टोटल अगर 100 से इंक्रीज किया तो टोटल कितना परसेंट से इंक्रीज किया है, तो 100 इस 1000 का कितना परसेंट, 10%, यानी टोटल वैल्यू भी कितना परसेंट से इंक्रीज कर रहा है, 10% से कर रहा है, टोटल वैल्यू भी 10% से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझिएगा, ये वैल्यू कुछ और ही परसेंटेज से इंक्रीज करे और ये इसका परसेंटेज वैल्यू इंक्रीज का जो होगा वो कुछ और है, तो ये कुछ और बन जाएगा, ये तीनों एक जैसा नहीं बनेगा। लेकिन देखिए, जितना अगर ए इंक्रीज कर रहा है उतना ही अगर बी इंक्रीज करे तो फिक्स है कि टोटल वैल्यू भी उतना ही से इंक्रीज करेगा। यहाँ पे टोटल वैल्यू उतना से इंक्रीज नहीं कर रहा था, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, तो यहाँ पे तीसरा वैल्यू बन जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर 10 है और यहाँ पे भी 10 बन जाए तो टोटल भी 10% से इंक्रीज करेगा। यहाँ पे 15 होता, यहाँ पे भी 15 होता, तो फिक्स है ये टोटल वैल्यू भी 15% से इंक्रीज कर देगा। जितना अगर दोनों बराबर हो गया ना तो वही वैल्यू उतना ही से ये भी इंक्रीज करेगा। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा और को नहीं भी पता होगा, तो उस चीज़ों को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं इस चीज़ों को मिटा रहा हूँ। मेरा मोटिव ये था समझाने का कि अगर दोनों सेम परसेंटेज इंक्रीज होता है तो टोटल भी उतना ही परसेंट से इंक्रीज होगा, ठीक है ना। अब मैं इस चीज़ों को मिटा रहा हूँ। तो देखिए, अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6000 पॉपुलेशन है किसी विलेज का, उसमें से मेल भी है कुछ और कुछ फीमेल भी है। मेल का हर एक साल पॉपुलेशन कितने परसेंट से इंक्रीज करता है, 5% से। फीमेल का पॉपुलेशन पर ईयर कितने परसेंट से इंक्रीज होता है, तो 9%। तो हम क्या कर रहे थे कि इस 5 यहाँ पे भी है तो 5 यहाँ पे भी बना लेते हैं, इसको हमने थोड़ी देर के लिए भूल गए 4% को, ठीक है। अब समझिए, अगर टोटल 6000 है उसमें कुछ वैल्यू मेल होगा और कुछ वैल्यू फीमेल होगा, अगर मेल भी 5% से इंक्रीज कर रहा है, फीमेल भी 5% से इंक्रीज कर रहा है, तो टोटल कितना, 5% से, ये 5% से इंक्रीज कर रहा है, ये 5% से इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो 6000 है यहाँ पे, ये भी 5% से इंक्रीज करेगा, यानी टोटल कितना इंक्रीज हो जाएगा यहाँ से, 5%। तो 6000 का 5% कितना, 10%, 600, तो 5% कितना, 300, यानी टोटल कितना इंक्रीज होगा, 300, जबकि एक्चुअल में कितना इंक्रीज हो रहा है, 500। तो अगर इसमें से घटाते हैं तो बच कितना जाएगा, 200। क्यों बच गया 200, इंक्रीज होना चाहिए था 500 लेकिन हुआ 300, तो 200 बच गया। 200 क्यों नहीं इंक्रीज हुआ, ऐसा इसलिए कि फीमेल का जो पॉपुलेशन है वो 9% से इंक्रीज हो रहा था, हमने इंक्रीज कितने परसेंट से करवाया, 5% से। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 4% हमने इंक्रीज नहीं करवाया इसकी वजह से 200 बच गया। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका अगर 4% में और इंक्रीज करवा देता तो ये 200 नहीं बचता। इसका मतलब फीमेल का जो 4% का वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 200 के बराबर। तो फीमेल का अगर 100% का वैल्यू निकाला जाए तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल का पॉपुलेशन निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फीमेल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे 200 4% के बराबर है, तो 4% हमने नीचे लिखा, हमें निकालना कितना है, 100% फीमेल का 100% है, क्योंकि ये फीमेल का ही 4% था, तो फीमेल का 100% निकालेंगे तो टोटल फीमेल का जो भी पॉपुलेशन है वो चीज़ें आपका निकल के आ जाएगा। तो देखिए, ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कट जाएगा, 4 से काटते हैं तो 4×5=20, 50 कितना बन जाएगा, ये 5000 बन जाएगा कि नहीं, यानी फीमेल कितना है यहाँ पे, 5000। और फीमेल अगर 5000 है यहाँ पे तो मेल कितना है यहाँ पे, हाँ 1000, यानी फीमेल का पॉपुलेशन यहाँ पे है 5000 और मेल का पॉपुलेशन है 1000। आया समझ में, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था। यहाँ पे मेन समझना था कि फीमेल के पॉपुलेशन में 5% का इंक्रीज करवा रहे थे और मेल के पॉपुलेशन में भी 5% से इंक्रीज करवा रहे थे, इसका मतलब ये भी 5% और ये भी 5%, इसका मतलब टोटल भी 5% से इंक्रीज करेगा, क्योंकि अभी मैंने ये चीज़ें दिखाया था आपको करके। तो टोटल हमने 5% इंक्रीज करवाया, 300 आ गया, 200 बच गया। क्यों, क्योंकि फीमेल का पॉपुलेशन जितना भी था उसमें हमें 9% से इंक्रीज हो रहा था, लेकिन हमने 5% से इंक्रीज करवाया था, 4% हमने हटा दिया था, इस वजह से 200 बच गया था। तो ये 4% फीमेल का 200 के बराबर होगा, तो 100% हमने निकाला तो ये वैल्यू निकल के आ गया फीमेल का, तो मेल का आ गया यहाँ पे। यानी मेल का पॉपुलेशन शुरुआत में 1000 था और फीमेल का पॉपुलेशन 5000। अब समझिए क्वेश्चन यहाँ पे कैसे घुमाएगा, और क्वेश्चन ये भी बोल सकता है
ये क्वेश्चन क्या था कि इंक्रीज होने से पहले पॉपुलेशन कितना था मेल और फीमेल का, वो चीज़ें बताने के लिए। अब इंक्रीज होने के बाद ऐसा अगर घुमाना होगा क्वेश्चन को, तो ऐसे पूछ देगा कि इंक्रीज होने के बाद मेल और फीमेल का पॉपुलेशन बता दीजिए कि कितना है। तो देखिए, इंक्रीज होने के बाद मेल का एक्चुअल पॉपुलेशन कितना है 1000, और ये 5% से बढ़ाया जाएगा, तो इसका 5% कितना होगा, 50 बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पे इसका 10% 100, तो 5% कितना 50, यानी एक तरह से ये 1050 1050 बन जाएगा इंक्रीज होने के बाद, 50 से बढ़ेगा। तो फीमेल का पॉपुलेशन कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा, तो ये 9%, तो इसका 9% आप निकालिए, तो इसका 9% कितना 1% 50, तो 9% इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा 450, यानी 450 से बढ़ जाएगा, 450 इसमें ऐड कर देंगे, वही हमारा इंक्रीमेंट के बाद का पॉपुलेशन हो जाएगा। आया समझ में ये चीज़ें? अगर ये चीज़ समझ में आ गया है तो इसको आपको नोट कर लेना है, और नोट करने के बाद वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाना है आपको। देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी शहर का जनसंख्या 8000 है, उसमें कुछ मेल है कुछ फीमेल है, मेल का पॉपुलेशन कितने परसेंट से इंक्रीज कर रहा है 6% से, और फीमेल का 10% से 10% से, और बोल रहा है कि इंक्रीज होने के बाद पॉपुलेशन कितना बन जाता है 8600, यानी इंक्रीज कितने से हुआ 600 से हुआ। तो बोल रहा है इंक्रीज से पहले फीमेल का पॉपुलेशन कितना था, वो चीज़ें आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो वही चीज़ें बताना है। देखिए, 8000 टोटल पॉपुलेशन है, तो 8000 हम ऊपर लिखेंगे ये। अब यहाँ पे क्या चीज़ आएगा, जो कॉमन वैल्यू होता है, कॉमन वैल्यू क्या कि पॉपुलेशन एक कितने परसेंट से, मेल का कितने परसेंट से इंक्रीज कर रहा है, फीमेल का कितने परसेंट से इंक्रीज कर, वो चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, इंक्रीज कितने से हो रहा है 600 से, क्योंकि 8600 बन जा रहा है, तो 600 से इंक्रीज हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेल, और यहाँ पे फीमेल, मेल का कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है 6% से, फीमेल का 10% से, यही हो रहा है। तो 10% को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6% प्लस का 4% लिख सकते हैं। इस वैल्यू को हम थोड़े देर के लिए भूल जाते हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं मेल भी 6% से इंक्रीज हो रहा है और फीमेल भी 6% से इंक्रीज हो रही है, यही चीज़ें हैं। तो टोटल का भी 6% इंक्रीज होगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल का ये 8000, इसका 1% कितना 80, तो 6% कितना 6 टाइम, तो 80 × 6 = 48, 480, यानी पॉपुलेशन कितना बढ़ जाएगा 480, घटाते हैं इसमें से तो कितना बनेगा 0, 2, और यहाँ पे बन जाएगा आपका 1, यानी 120 आपका बच गया। क्यों बचा है 120? पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि फीमेल का जो भी पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हो रहा था उसमें हमने 4% की कमी कर दिया, 4% की हमने कमी कर दिया, सिर्फ 6% ही बढ़ाया, 4% हम नहीं बढ़ाए। अगर ये फीमेल का 4% और बढ़ जाता तो ये 120 नहीं बचता, तो इसका मतलब फीमेल का जो 4% का वैल्यू है वो 120 के बराबर है, तो 4% नीचे लिख देते हैं, और फीमेल का अगर 100% निकालना है तो 100% मल्टीप्लीकेशन, ये वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। देखिए, ये चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है ये सब पहले मैं बता रखा हूँ आपको, कि जो नंबर जितने परसेंट के बराबर होगा वो परसेंटेज वैल्यू नीचे, और जितने परसेंट आपको निकालना है वो मल्टीप्लीकेशन में, ऐसा मैंने बता रखा है। तो वही यहाँ पे हुआ कि इसका 4% 120 के बराबर होगा, तो वह 4% नीचे, और 100% अगर निकालेंगे तो टोटल फीमेल का पॉपुलेशन हमारा निकल जाएगा। देखिए, ये परसेंटेज से ये परसेंटेज 4 से काटे तो 4 × 3 = 12 बन गया 30, यहाँ पे 30 × 100 कितना 3000, यानी फीमेल का पॉपुलेशन कितना है 3000, यही बनेगा। अगर 3000 फीमेल का पॉपुलेशन है तो मेल का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 5000। आपसे सिर्फ यही पूछा था कि इंक्रीमेंट से पहले फीमेल का पॉपुलेशन कितना था, ठीक है ना। अब समझिए, इसमें भी तो ये पूछ सकता था कि इंक्रीज होने के बाद फीमेल का पॉपुलेशन कितना बन जाएगा और मेल का पॉपुलेशन कितना बन जाएगा। तो देखिए, ये जो वैल्यू है एक्चुअल मेल का पॉपुलेशन है, इसको 6% से इंक्रीज करवाएंगे, और जो भी 6% का वैल्यू होगा वो इसमें ऐड कर देंगे। फीमेल का जो भी पॉपुलेशन है वो 10%, ये एक्चुअल वैल्यू है, फीमेल इतनी रही होगी, 3000 फीमेल वहाँ पे सिटी में गया, शहर में रही होगी। अब बोले ये 10% से इंक्रीज हो रहा है इसका पॉपुलेशन, तो इसका 10% निकाल के इसमें ऐड कर देंगे तो इंक्रीज होने के बाद का पॉपुलेशन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको एक बार नोट कीजिए, नोट करने के बाद वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन को करना है। वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो CDS में पूछे हुआ क्वेश्चन है, सिंपल ही क्वेश्चन है लेकिन घुमा दिया है थोड़ा सा उसमें। तो चलिए उस क्वेश्चन को आप बनाइए।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सीडीएस में पूछे हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए और बी के पास कुल मिला के 1200 रुपये है। उस 1200 रुपये में से ए का हिस्सा भी कुछ होगा और बी का भी हिस्सा कुछ होगा। तो फिर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए के पास जितने भी हिस्सा होगा यानी ए के हिस्से में जो भी पैसा होगा उसमें से वो कितना परसेंट खर्च कर देता है, 12% यानी 12% उस रुपये में से खर्च कर देता है। और बी के पास जितने भी पैसे होंगे उसमें से वो 20% रुपया खर्च कर देता है। और फिर लास्ट में क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जितना भी टोटल ए और बी का पैसे था मिलाकर उसमें से खर्च करने के बाद जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, 85% यानी 85% रुपया बच, ये 85% रुपया बच जाता है। तो बच जाता है तो खर्च कितना करता होगा, 85% सेविंग कर देता है, बचा लेता है। तो खर्च उसमें से कितना कर देता होगा, 15% यानी 15% रुपया क्या करता है वो खर्च कर देता है दोनों मिलकर। समझिएगा, टोटल पैसे कितने थे ए प्लस बी के पास, ये क्वेश्चन बता रखा है कितना, 1200। इसमें से कुछ ए का भी हिस्सा है और कुछ बी का भी हिस्सा है। अब जितना भी टोटल पैसे है इसमें से कुछ ए भी खर्च करता है कितना, 12%। बी कितना खर्च करता है, 20%। और खर्च करने के बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि 85% का बचा ले रहा है, सेविंग कर ले रहा है। यानी 85% अगर सेविंग करता है तो खर्च कितना करता होगा इस टोटल पैसे का, 15%। तो इसका 15% कितना, 10% 120। तो 15% कितना, 120 प्लस 60 180, इतना रुपया दोनों मिलकर खर्च करता है। तो बोल रहा है कि आप ये बताइए कि खर्च करने के बाद जो ए का पैसा बचता है वो कितना रुपया बचेगा, वो चीज़ आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसमें से ये ऑप्शन दे रखा है, बोल रहा है कि बताइए कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो समझिए, अगर ए 12% राशि खर्च कर देता है तो हम बी को भी उतना ही बना देते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं, 12% प्लस का 8%, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। अब इस वैल्यू को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, हम ये सोचकर चल रहे हैं कि बी भी 12% ही राशि खर्च कर पाता है। तो ए भी 12% खर्च करता है, बी भी 12% खर्च करता है, इसका मतलब टोटल वैल्यू में से 12% खर्च होता होगा, 12% खर्च होता होगा। तो इसका 12% कितना, इसका 1% 12, तो 12% इसका 12 टाइम्स यानी 12 × 12 कितना बन जाएगा, 144, इतना रुपया खर्च कर देता है। लेकिन एक्चुअल में कितना खर्च करता है, 180। तो बच कितना जाएगा यहाँ पे, 36 क्यों बच गया यहाँ पे, इसलिए बच गया क्योंकि बी 20% खर्च कर रहा था लेकिन उससे हमने खर्च कितना करवाया, 12%, यानी इसका 8% हमने खर्च नहीं करवाया, इसलिए हमें 36 यहाँ पे रिमेनिंग रह गया। इसका मतलब ये हुआ बी का जो 8% का वैल्यू है कितने के बराबर, 36 के बराबर। तो बी का 100% निकालेंगे तो बी का टोटल वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 36 8% के बराबर है तो 8% नीचे, और 100% निकालना है तो वो मल्टीप्लीकेशन में, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 4 से काटेंगे 2 और यहाँ पे 25, इस 2 से इसको काटेंगे 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 18 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 8 = 220 और बच जाएगा 25 × 20 = 45। यानी ये जो वैल्यू आया कितना आ गया, 450, किसके हिस्से में, बी के हिस्से में। समझिएगा, 450 बी का वैल्यू है। तो ए का कितना होगा, 750, 1200 में से 450 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 750। यानी ए के पास कुल कितने पैसे थे शुरुआत में, 750। बी के पास शुरुआत में कितने पैसे थे, 450। अब बोला ये जा रहा है कि ए अपने हिस्से में से 12% राशि खर्च कर देता है, 12%। तब बताओ खर्च होने के बाद जो बचेगा वो वैल्यू कितना बचेगा, वो ऑप्शन दे रखा है आपका। तो देखिए इसका 12% निकालना है तो इसका 10% कितना, 75, 1% कितना, 7.5, तो 2% कितना, 15। तो 10% 75 और 2% 15, तो 75 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 90। अगर 90 इसमें से घटाते हम तो कितना बच जाएगा, 660, ये वैल्यू बचेगा कि नहीं, यही आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ में ये चीज़ें? तो आप देखिए इस तरह का अभी टाइप बचा हुआ है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन का, अब इस तरह का टाइप में नहीं बनेगा, इसमें क्वेश्चन चेंजिंग आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा इस मेथड से बनेगा या क्या मेथड से, वहाँ पे भी यही तरीका लगेगा, थोड़ा थोड़ा हम उस मेथड का ना यूज करते हुए, चेंज करते हुए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो इसका भी अभी क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है ना। तो करना क्या है कि जितना अभी मैं पढ़ाया हूँ उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का लेवल पढ़ाएंगे।
तो चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं, और जो स्टूडेंट वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के भी बीच में ये बात बताइए आप, ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में।